नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। मार्केट में एक तरह से भारी गिरावट चल रही है। ITC लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 207 तक आ गया है। जब भी डिविडेंड की बात आती है, डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है ITC कंपनी के द्वारा, तो एक तरह से ऊपर के लेवल से काफ़ी इसमें गिरावट आ जाती है। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। जो भी नए इन्वेस्टर्स या पुराने भी हैं, अगर पोर्टफोलियो में पड़ा है लॉन्ग टर्म के लिए है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक आने वाले दिनों में फिर से तेज़ हो जाएगा। बट ये है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, डिविडेंड के लिए कारोबार करते हैं, तो ये बात समझने वाली बात है दोस्तों। अगर प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटा जा रहा है तो उसमें स्टॉक जो है थोड़ी सी गिरावट में रहता है कुछ दिन के लिए। और मार्केट अगर गिरती भी है, जैसे अब की बार गिर गई, देखिए 200-300 पॉइंट करेक्शन हुआ है, तो इसमें और गिरावट आएगी, क्योंकि जो उस दिन ट्रेड कर रहे हैं या फिर टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं कि अब तो इसका सपोर्ट टूट गया है, यहाँ से और नीचे की तरफ जाएगा, तो और बायर फिर उसमें कम हो जाते हैं, तो इसके अनुसार फिर स्टॉक जो है नीचे की तरफ आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। 200 के आसपास था, इसका Q3 का रिजल्ट निकलना था, डिविडेंड की बात थी कि डिविडेंड दे सकती कंपनी, तेज़ी से अपना ऊपर की तरफ गया 240 तक, तो काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे कि डिविडेंड भी मिलेगा और तेज़ हो जाएगा। बट ये हमेशा ITC में इस तरह का रहा है। आप देखिए, पिछले बार भी जब 10 रुपये का डिविडेंड दिया था, तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था, फिर एक तरफ से काफ़ी नीचे की तरफ आ गया था ये, उसके बाद धीरे धीरे टाइम लगा, 1-2 महीने के बाद फिर ऊपर की तरफ आया। तो पिछले 1-1.5 साल से इसी तरह का रहा। और कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो उसमें एक प्रेशर आता है, पहले तेज़ी आती है उसके बाद प्रेशर आता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगर कोई कंपनी, जैसे अभी 6 महीने बाद डिविडेंड देने की घोषणा हो सकती है, जैसे मारुति है, इस क्वार्टर में या अगले क्वार्टर तक डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। मारुति गिर रहा है, डिविडेंड भी एक मारुति से चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, तो अभी देखिए उसको और पोर्टफोलियो में रखे रहिए, और जब डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा तो एक तरह से डिविडेंड भी मिलेगा और स्टॉक भी ऊपर की तरफ भी होगा। ये भी कि स्टॉक भी ऊपर की तरफ, जैसे अभी है, देखिए ITC का क्या है, अभी स्टॉक भी ऊपर की तरफ, किसी ने अगर 180-170 में लिया है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है, तो अपने अनुसार देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये डिविडेंड जब भी कंपनी अनाउंसमेंट करती है, हल्का फुल्का उसमें गिरावट होती है, मार्केट बहुत तेज़ होता है तब जो है उसमें कम गिरावट होती है। बट जिस तरह से आज गिरावट हुई है मार्केट में, तो ITC में थोड़ा सा प्रेशर उसकी वजह से भी आया है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। बट आने वाले दिनों में ये तेज़ी रहेगा, और FMCG का दिग्गज स्टॉक है, काफ़ी इसमें चेंजेस भी हो रहे हैं, और जो सेगमेंट है उनमें अभी तेज़ी नहीं आई है, उनका रेवेन्यू बढ़ता है और प्रॉफिट होता है, ITC का जो है सेल्स बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली जो स्टॉक आने वाले समय में 2021 में अच्छा खासा कर सकता है। एक नज़र इसका अब टेक्निकल चार्ट के अनुसार देख दोस्तों, यह ITC लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और कैंडल्स हैं डेली के। देखिए, इसने एक रैली पकड़ी, लगभग 200 के आसपास से तेज़ी से लगभग 240 तक गया, वहाँ से लगातार गिरावट में, और एक तरह से Q3 का रिजल्ट इसी के आसपास निकला, डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ 5 रुपये का। अब जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है जिन्होंने ITC को, तो डिविडेंड अच्छा देती है कंपनी और इसी के लिए फेमस भी है ज़्यादातर, FMCG के दिग्गज स्टॉक है। बट ये कि जो तेज़ी आई थी, सारा कुछ देखिए एक तरह से ये चला गया है, और मार्केट में भी गिरावट आ गई, दबाव आ गया उसके कारण, और डिविडेंड का जो 5 रुपया था वो भी एक तरह से एडजस्ट होना था, तो धीरे धीरे देखिए अपने जहाँ से रैली पकड़ा था वहीं तक आ गया। अब जो इसके सपोर्ट रहेगा दोस्तों, एक तरह से 200 का रहेगा, और ये 200 या 195 के आसपास का, क्योंकि देखिए 2-3 बार यहाँ पे हुआ है, तो किसी के पास भी ऊपर के लेवल पे है, थोड़ा सा समय देना चाहिए, अभी इसको फिलअप करेगा आने वाले समय में, थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि स्टॉक एक बार गिरता है तो थोड़ा सा फिर उसमें क्या होता है कि रिटेलर्स या जो ट्रेडर्स होते हैं थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, जब वो तेज़ हो जाता है, एक दिन ग्रीन में दिखेगा तब उसमें लेने की कोशिश करते हैं। और ITC का पिछले कुछ दिनों से इसी तरह का ट्रेंड रहा है, जब भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है इसमें ये ऊपर की तरफ आता है स्टॉक, फिर इसमें गिरावट हो जाती है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से लिए हैं, तो अच्छा खासा ये साल भर में डिविडेंड इसमें मिलता है और काफ़ी एक तरह से फेमस भी है, तो धीरे धीरे देखिए एक तरह से ग्रोथ की बात आ रही है, डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। बट अब बेरिश हो गया दोस्तों, ये अगर ये 200 को सपोर्ट नहीं लेता है तो थोड़ा सा इसमें फिर और पैनिक आ सकता है। ये कि जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, जिन्होंने मार्जिन में लिया है, तो एक तरह से स्टॉप लॉस के द्वारा ही कामकाज करना चाहिए। अब किसी ने 200 में लिया डिविडेंड, वो लेंगे फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो उसको तो बेनिफिट ही रहेगा, और नीचे की तरफ आता है फिर 2 महीने के बाद ऊपर की तरफ होगा। RSI को भी चेक कर लेते हैं डेली के हिसाब से। देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 70 के आसपास था, तो गिरावट है, देखिए अभी ये पहुंच गया 40 में,
एनएमएस थोड़ा सा और या फिर इसी के आसपास अगर सेटल होके ऊपर की तरफ जाता तो एक तेजी बनेगी दोस्तों। तो 217 218 का एक हडल रहेगा, उसके बाद सीधे जो है 230 और 240 तक जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल जो भी लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं तो उनको होल्ड करना चाहिए, जो लेना चाह रहे हैं तो अपने अनुसार देख सकते हैं और अपने पॉकेट के अनुसार, और जो ट्रेड कर रहे हैं उनको स्टॉप लॉस के बगैर नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए 2% का इंट्राडे, और जो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं 3 या 5% का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। आने वाले दिनों में स्टॉक ऊपर की तरफ दिखेगा दोस्तों। ITC लिमिटेड।